गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास एट्थ के साइंस में जैसे कि नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ चुके थे, उन्हीं सिंथेटिक फाइबर्स में एक टॉपिक है मोनोमर्स, पॉलीमर्स, पॉलीमराइजेशन। तो मोनोमर्स क्या होते बेटा? मोनोमर्स देखे क्या होते हैं, इसके जो फाइबर्स के स्मॉल यूनिट्स होते हैं, सिंगल सिंगल जो यूनिट्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड मोनोमर्स। एंड वेन मोर देन वन यूनिट्स ज्वाइन टूगेदर एंड फॉर्म अ चेन, देन दैट इज कॉल्ड पॉलीमर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। देखिए बेटा, जैसे ये कुछ यूनिट्स हो गए, ये सिंगल यूनिट्स हैं, ठीक है, सिंगल यूनिट्स हैं, तो ये सारी सिंगल यूनिट्स क्या कहलाती हैं? इनको हम कहते हैं मोनोमर। क्या कहते हैं? मोनोमर्स। क्या? मोनोमर्स, ठीक है, ये क्या है? मोनोमर्स हैं। लेकिन जैसे ही ये यूनिट्स ज्वाइन करके एक चेन बना देते हैं, एक साथ ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करके एक चेन का निर्माण करते हैं, इसका एक चेन बनाती हैं, तो चेन बनाने के बाद ये क्या बन जाती हैं? पॉलीमर। क्या बन जाते हैं? ये पॉलीमर, जो एक साथ अलग अलग होते हैं तो मोनोमर कहलाते हैं, लेकिन जब एक साथ ज्वाइन होकर वो एक चेन का निर्माण करते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। ये क्या हो जाते हैं? पॉलीमर। और इस प्रोसेस को जो ये टुगेदर ज्वाइन टुगेदर होने के बाद जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। तो यहां से अगर आप लिखना चाहें तो नोट कर लें, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग मोनोमर यूनिट्स टू फॉर्म पॉलीमर is called polymerization। फिर देखें बेटा, यहीं पर है रेयॉन, नेक्स्ट हेडिंग वाले रेयॉन। अब रेयॉन क्या है? रेयॉन इज आल्सो अ सिंथेटिक फाइबर। रेयॉन क्या है? तो यहां पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? रेयॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, ये क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है, आर्टिफिशियल फाइबर है, ठीक। रेयॉन हैज अ सिल्की टेक्सचर। सेकेंड पॉइंट इसे क्या लिख लोगे? रेयॉन हैज अ सिल्की टेक्सचर। फिर आता है अब इसमें सिल्की टेक्सचर होता है, इसका सिल्क के समान इसका टेक्सचर होता है, जिसके कारण रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है।
तो ड्यू टू दिस, ड्यू टू सिल्की टेक्सचर, ड्यू टू सिल्की टेक्सचर, रेयॉन इज ऑल्सो कॉल्ड, रेयॉन इज ऑल्सो कॉल्ड, रेयॉन इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क, रेयॉन इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। फिर नेक्स्ट है इसी में यूजेस क्या है रेयॉन के, रेयॉन का यूज देखें, इट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। नंबर एक तो रेयॉन का यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है, क्यों किया जाता है, फॉर द यूज, फॉर किसके लिए, फैब्रिक्स के लिए, फैब्रिक्स को बनाने में रेयॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कारपेट्स, कारपेट्स जो बनाए जाते हैं सॉफ्ट, हाँ सॉफ्ट कारपेट्स जो बनाए जाते हैं वो, उनमें भी रेयॉन का उपयोग किया जाता है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग टायर कोट्स, टायर के कोट्स को बनाने में भी रेयॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका यूज है वो क्या है, मेकिंग बैंडेज, बैंडेज जैसे चोटों लग जाते हैं तो वो बैंडेज जो होते हैं उनको बनाने में भी रेयॉन का उपयोग किया जाता है। बैंडेज हो गए, सर्जिकल ड्रेसिंग्स होती हैं जो ऑपरेशन के बाद ड्रेसिंग करने में जो चीज़ें यूज की जाती हैं उनमें, उनको भी, उनमें भी रेयॉन का उपयोग किया जाता है। फिर देखें नेक्स्ट है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नायलॉन, नायलॉन इसके बाद क्या है, नायलॉन देखें बेटा, इसमें पहले आता है नायलॉन में, नायलॉन आप लोगों ने देखा होगा, नायलॉन की रस्सियां होती हैं आपके घरों में उनका उपयोग होता होगा कपड़े वगैरह सुखाने में। तो सबसे पहला आता है नायलॉन इज अ पॉलीअमाइड, पहला पॉइंट क्या जाएगा, नायलॉन, नायलॉन इज अ पॉलीअमाइड, पॉलीअमाइड, नायलॉन क्या है, पॉलीअमाइड है, पहला इसका पॉइंट है, नायलॉन इज अ पॉलीअमाइड फाइबर, ठीक है। फिर देखें इन दिस रिस्पेक्ट नायलॉन रिजेंबल्स विद सिल्क एंड वूल, इसके रिस्पेक्ट में जो है ये नायलॉन है ये सिल्क एंड वूल विच आर आल्सो नेचुरल पॉलीअमाइड्स, सिल्क और वूल भी नेचुरल पॉलीअमाइड्स हैं जिनको मिक्स करके क्या बनाया जाता है, इस सिंथेटिक नायलॉन को बनाया जाता है। इट इज, या आप एक चीज और कर सकते हैं, इट इज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये जो नायलॉन है ये पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मिलाकर बनाया जाता है, उनसे बनाया जाता है। एक और एक चीज है इसमें, इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन एक ऐसा फाइबर है जो कि पूरी तरीके से सिंथेटिक होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं नायलॉन इज, नायलॉन इज अ फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, क्लियर बेटा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन की क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन, नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत होता है, नायलॉन फाइबर आर इलास्टिक एंड लस्चरस, नायलॉन जो होता है इलास्टिक होता है, लस्चरस होता है, चमकीला होता है, नायलॉन डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, नायलॉन किसी भी प्रकार से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, नायलॉन में किसी भी प्रकार की कोई सिकुड़न नहीं आती। तो इसका मतलब क्या हुआ, नायलॉन इज रिंकल रेजिस्टेंट, ठीक है, ये क्या है, रिंकल रेजिस्टेंट है, नायलॉन इज नॉट अट्रैक्ट बाय फंगस, मॉथ्स, सिल्वर फिश एंड अदर इंसेक्ट, नायलॉन पर ना तो मॉथ
ना ही फंगस, ना ही किसी प्रकार के और कोई भी इंसेक्ट्स उस पर अटैक करते हैं, ना उसे नुकसान पहुंचाते हैं। फिर आता है यूजेज ऑफ नायलॉन। नायलॉन फाइबर इज मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड फाइबर इन इंडस्ट्रीज। सबसे ज्यादा मात्रा में इंडस्ट्रीज में यूज किया जाने वाला फाइबर नायलॉन है। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल मटीरियल्स। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली, और इसमें सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल मटीरियल्स यूज किए जाते हैं। नायलॉन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर। नायलॉन सबसे मजबूत फाइबर है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इसके कारण इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन रोप मेकिंग। इसलिए इसका सबसे ज्यादा उपयोग रस्सियां बनाने में किया जाता है। नायलॉन फाइबर इज ऑल्सो यूज इन पैकिंग मटीरियल। जो बहुत नाजुक सामान या सामानों को पैक करके भेजा जाता है काफ़ी दूर दूर तक, उनमें ये पैकिंग मटेरियल के रूप में भी यूज़ किया जाता है। नायलॉन इज यूज इन मेकिंग बाथ स्पंजेस, ब्रश, टूथब्रश एंड पैरासूट। दीज आर आल्सो कॉल्ड बाथ पप्स। इसे इन सब चीज़ों में यूज होता है, इसीलिए इसे बाथ पप्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑल वाटर प्रूफ क्लोथ्स लाइक रेनकोट, हैट्स, लेजिंग्स आर मेड अप बाई मेड अप ऑफ नायलॉन्स। ये सारे क्लॉथ्स, वाटर प्रूफ क्लॉथ्स भी नायलॉन से बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक, इसके बाद हम लोग अगली क्लास में आगे का पोर्शन अगली क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।